एडवोकेट भूदेव पहानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। अभी अभी आईपीएस आरएस प्रवीण कुमार जी का ट्विटर हैंडल को देख के ये पता चल रहा है आरएस आईपीएस आरएस प्रवीण कुमार बसपा में शामिल होने वाला है। आप सबको पता है आरएस प्रवीण कुमार एक होनहार आईपीएस ऑफिसर है, तेलंगाना स्टेट में कार्यरत है और वो ऑनेस्ट और सिंपल एंड बेस्ट ऑफिसर, तेलंगाना का वो सबसे बढ़िया और अच्छा ऑफिसर है। उनका मकसद है भारत वर्ष में बाबा साहेब अम्बेडकर का कानून को खींचे हर स्टेट में हर लोगों का पास पहुंचाना है, इक्वालिटी एस्टेब्लिश करवाना है, लिबर्टी एस्टेब्लिश करवाना है और वॉइसलेस पीपुल का वॉइस बनने के लिए उनका बचपन से वो कोशिश कर रहे हैं और वर्तमान परिस्थिति में आईपीएस रहते हुए भी इन्होंने सोशल वेलफेयर फाउंडेशन ऑफ द स्कूल का इंचार्ज रहे हैं और ऑफिसर चार्ज रहते हुए उन्होंने जो रेसिडेंशियल स्कूल है सोशल वेलफेयर के अंदर चलते हुए रेसिडेंशियल स्कूल का इतना डेवलपमेंट किए है, इसके लिए उन्हें तेलंगाना स्टेट में हर कोई फैन उन्हें चाहता है और ये बहुत बढ़िया जानकारी है उनके बारे में पता चलता है उनका ट्विटर हैंडल से। वो दादा साहेब कंसीराम को फॉलो करते हैं, उसके साथ साथ बाबा साहेब अम्बेडकर को अपना दिल से चाहते हैं और ज्योतिबाराव फुले साहब को वो बहपन्ना प्यार करते हैं। उसका मतलब है भारत वर्ष में लॉ लिबर्टी इक्वालिटी कैसे एस्टैब्लिश करना वो भली भांति जानते हैं। इसीलिए आर एस प्रवीण कुमार आईपीएस से रिजाइन देकर बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने के लिए वो बहन मायावती जी का साथ बातचीत कर चुके हैं। खबर से यह पता चल रहा है तेलंगाना स्टेट से आर एस प्रवीण कुमार बसपा में शामिल होने हो जाएंगे, मतलब वहां बसपा का संगठन और मजबूत हो जाएगा। आप सब लोग को पता है 7 साल पहले तेलंगाना में दोनों बसपा का एमएलए जीते थे लेकिन वो दोनों कैडर नहीं थे, इसलिए वो खुद को बेच डाले, टीआरएस के सामने इन्होंने खुद को बेच डाले। आरएस प्रवीण कुमार एक स्वच्छ और एक ऑनेस्ट आईपीएस है और वो एक कैडर है, बाबा साहेब को बड़े जानते हैं, दादा साहेब कांसीराम को बपना प्यार करते हैं, उसके साथ संविधान को वो दिल पर सर पर रखते हैं। कानूनी का जानकार उन्हें ज्यादा कानून के बारे में ज्यादा जानकारी है और भारत का संविधान को वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए भारत वर्ष में इतने सब पार्टी होते हुए भी बसपा को उन्होंने क्यों चूज किया वो जानता है। बसपा एक पॉलिटिकल पार्टी है, बसपा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कानून का माध्यम से कानून का राज स्थापित करने के लिए दमखम रखते हैं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी भी उनको पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होने के लिए ग्रीन सिग्नल दे चुकी है। देखते हैं आगे क्या होता है। हमारा ये पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है तेलंगाना स्टेट में बसपा का नया सूरज उग रहा है। मुझे ये पता चल रहा है धीरे धीरे हमारा देश का बुद्धिजीवी आईएएस आईपीएस जितना भी ऑफिसर जितना भी जाने माने लोग जो बाबा साहेब को एक बार पढ़ता है, दादा साहेब कांशीराम को एक बार जानता है और महात्मा ज्योतिबाराव फुले को जो जानता है वो कभी भी मनुवादियों का सपोर्ट नहीं करता। आईपीएस आर एस प्रवीण कुमार का कार्य प्रणाली को देखते हुए कुछ दिन पहले बसपा बीजेपी वाले उनका खिलाफ किए थे एक कॉन्फ्रेंस में। आर एस प्रवीण कुमार को देखते हुए आरएसएस संगठन और बीजेपी वाले उनका खिलाफ किए थे और उनका विरोधी नारा दिए थे और इनको घेरने के लिए कोशिश किए थे तेलंगाना में। लेकिन जब आर एस प्रवीण कुमार का समर्थक उपोज करने लगे बीजेपी वाले डर के मारे बैकफुट में चले गए। इससे पता चलता है आर एस प्रवीण कुमार कैसे समझे, वो दादा साहेब कांशीराम को बहपना प्यार करते हैं, उसके साथ साथ बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना को पूरा करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना, दादा साहेब कांशीराम का सपना और
स्वामी ज्योतिबा फुल्ले का सपना को पूरा करने के लिए भारत में एक ही पार्टी बचा है, वो है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के और कोई भी पार्टी हमारा देश का संविधान को सुरक्षा दे नहीं सकते। ये बात भले भाले सही बात आईपीएस आरएस प्रवीण कुमार जानते हैं, इसीलिए इन्होंने अपना जॉब से रेजिग्नेशन दे चुके हैं। सेवा क्षेत्र से ये निवृत्त होने के लिए वो रेजिग्नेशन दे चुके हैं और ये भी सुनने के लिए मिल रहा है उनका रेजिग्नेशन सब हो गया है और तुरंत वो बसपा में शामिल होने वाला है और तेलंगाना में एक नया सूरज उग रहा है दलितों को, वॉइसलेस पीपल को वॉइस बनने के लिए। हमारा ये पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है तेलंगाना स्टेट में आरएस प्रवीण कुमार जैसे आईपीएस का स्वामी, वहां रहने वाले दबे कुचले लोग, गरीबी भुखमरी से लाचार जिंदगी जीने वाले लोग का जिंदगी सुधरने वाला है और तेलंगाना स्टेट का बसपा ऑफिस में आप खुशी की माहौल बढ़ रहा है और बसपा वाले आईपीएस आरएस प्रवीण कुमार को वेलकम करने के लिए उत्साहित है। हमारा ये छोटा सा कोशिश है सही बात को आप लोगों का सामने बताने के लिए। हर कोई स्टेट में ऐसे ईमानदार लोग, बाबा साहेब को चाहने वाले लोग, दादा साहेब कांशीराम को चाहने वाले लोग, फुले साहब को जानने वाले लोग बसपा में शामिल होना चाहिए और इस भारत का संविधान को बचाना चाहिए। आप ज्ञानी लोग गुणी लोग नहीं आएंगे तो कौन आएगा? जितने भी पढ़े लिखे लोग इकट्ठा हो जाइए, बसपा में शामिल हो जाइए, हाथ मनुवाद का सांस फिनिश करना है। यहाँ भारत में मानवतावाद को प्रचार प्रसार करना है, प्रबुद्ध भारत बनाना है और संवैधानिक प्रक्रिया से भारत का डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना है, वॉइसलेस पीपल का वॉइस बनना है। जब तक हम बुद्धिजीवी लोग वॉइसलेस पीपल का वॉइस नहीं बनेंगे, आईपीएस आरएस प्रवीण कुमार साहब का सोच जैसे सोच नहीं रखेंगे, ये भारत कब सुधरेगा? भारत का हर स्टेट लोग, हर स्टेट का हर कोने का बुद्धिजीवियों को मेरा ये अपील है, जितना जल्दी हो सके आप लोग अपना अपना स्टेट में बसपा में शामिल कीजिए और बसपा को मजबूत कीजिए। जब तक हम बसपा को मजबूत नहीं करेंगे, इस भारत का संविधान बचने वाला नहीं है। इस भारत में कानून का माध्यम से कानून राज करने के लिए और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ ही सिर्फ बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि ये पार्टी ज्योतिबा राव फुले साहब को आदर्श मानता है, बाबा साहेब अंबेडकर का आदेश को सर पर लेता है, दिल में रख के घूमता है और दादा साहेब कांशीराम को बेपनाह प्यार करता है। मतलब इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये तीनों महापुरुष भारत वर्ष में जात पात मिटाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान भी ये कहता है इक्वालिटी एस्टैब्लिश करना, जात पात मिटाना, एफर्मेटिव एक्शन से आकर आर्टिकल 340, 341, 342 को सही से इस्तेमाल करना, भारत का संविधान का आर्टिकल 15 को इस्तेमाल करते हुए भारत में रहने वाले बच्चे, भारत में रहने वाले औरत को सुरक्षा देना, भारत का संविधान का आर्टिकल 29 को पालन करते हुए भारत में रहने वाले माइनॉरिटी को सुरक्षा देना, मेजॉरिटी के नाम पर माइनॉरिटी को टॉर्चर करने के लिए हमारा देश का संविधान कतई ही परमिशन नहीं देता, ये बात भली भांति आईपीएस आरएस प्रवीण कुमार जानते हैं। इसीलिए आईपीएस आरएस प्रवीण कुमार तेलंगाना स्टेट में बसपा में शामिल होने के लिए तैयार कर चुके हैं। आप सब लोग आईपीएस आरएस प्रवीण कुमार को फॉलो कीजिए। बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना, दादा साहेब कांशीराम का सपना और शिक्षा में छत्रपति शाहू जी महाराज और उसके साथ साथ ज्योतिबा राव फुले साहब का सपना को पूरा करना के लिए, करने के लिए कंधा से कंधा मिलाकर हम सबको बसपा में शामिल होना है, इनको सींचना है,
तब तो वो फलेगा और फूलेगा और भारत का संविधान को बचाएगा। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।